सारी संगत को नमस्कार चियानो वेलकम। मैं अपना सत्संग सबसे पहले ये सुनाना शुरू करूंगा कि हम गुरुजी से जुड़े कैसे। 2003 में मैं उस वक्त दिल्ली में रहता था, करोलबाग के पास मेरे अपार्टमेंट में, और हमने गुड़गांव में अपना नया मकान बनाया डीएलएफ फेज 3 में, और हम वहाँ शिफ्ट कर गए। मगर हम पार्टली शिफ्ट किए क्योंकि हमें ये लगता था कि पता नहीं वहाँ दिल नहीं लगेगा तो हम दिल्ली वापस आ जाएंगे। तो 50% मैं अपना लगेज लेके आया था और 50% मेरा वहीं रह गया था जो है। तो इसी सिलसिले में मैं अपने ब्रदर इन लॉ जो कि मेरी मिसेस के ब्रदर हैं कर्नल अमिताभ, उनको मिलने उनके घर गए हम सुशांत लोग, और वहाँ ऐसे बातें चल रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ एक गुरुजी हैं जो कि आप गुड़गांव के पास ही है उनका, तो एम्पायर स्टेट में क्या आप उनके पास चलेंगे। मैंने उनको कहा देखो भाई, हम तो आर्य समाजी हैं, हम इन साधु संतों में किसी में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, मगर आप कह रहे हैं तो कुछ हम चलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारी उस वक्त सारी चीज़ें, सारे बच्चे सेटल थे, सब कुछ था, हमें कुछ मांगना नहीं था गुरुजी से। हमने कहा हम चल पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा जिस दिन मैं जाऊंगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे साथ चल पड़ना। हमने कहा भाई ठीक है। तो 3-4 दिन बाद उनका फोन आया, वो कहने लगा जीजा चलो आज शाम को जो है ना 7 बजे मंदिर चलेंगे। तो मैंने उनको कहा कि भाई शाम को 7 बजे क्यों, अभी आज दिन में ही होके आ जाते हैं। वो कहते नहीं, ये मंदिर तो हमारा खुलता ही शाम को 7 बजे के बाद है। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों। वो कहने लगे कि गुरु जी ये चाहते हैं कि जितने भी लोग अपने काम से निपट कर सारा बिल्कुल फ्री होके यहाँ पर आए, उनके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए। हमने कहा भाई हम बड़ा अजीब सा मंदिर है, चलो। खैर उस दिन फिर उनके साथ वो आए, अपनी गाड़ी में ले गए हमें। वहाँ जाके उन्होंने कहा जैसे जैसे मैं करूँगा आप भी साथ साथ में आपने ऐसे करते रहना जो है। तो गुरु जी के दरबार में गए, देखे एक साधु बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी ड्रेस में बैठे हुए हैं सिंहासन पर। तो हमने जाके उनके माथा टेका जैसे सब कर रहे थे। तो हमें क्योंकि हम जरा लेट पहुंचे तो हमें जगह बहुत पीछे मिली वहाँ बैठने के लिए, हम वहाँ बैठ गए जो है। तो मैं इनको तरीके से कह रहा था कि वहाँ शब्द चल रहे थे, गुरबानी के शब्द चलते हैं कि आप आंखें बंद करके अपना मेडिटेट करो जो है। हम भी बैठ गए। असल में क्या है, आंटी के और मेरे घुटनों में भी थोड़ा दर्द होता था तो हमें बैठने में जरा असुविधा थी, मतलब इतना कंफर्टेबली नहीं बैठते थे। और इतने में कोई मतलब सेवादार आगे, वो कहने लगे जरा और आगे बैठिए और आगे बैठिए। हमने कहा चलो भाई, किसी तरह टाइट होके मैं बैठ गया जो है। मगर जब एंड में जब उठे उस वक्त हमें कुछ महसूस नहीं हुआ कि हमारी टांगों में दर्द है। तो सबसे पहले चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया हमने, फिर उसके बाद सुनते रहे। फिर मैंने इनको बोला कि कर्नल साहब ये मंदिर हम कब जाएंगे। मैंने सोचा कि भाई ये शायद इसके पीछे कोई मंदिर होगा, क्योंकि हम ये विश्वास रखते हैं वहाँ मूर्ति होगी, वहाँ पर कोई अपना पुजारी जी होंगे, घंटी बजाएंगे, प्रसाद चढ़ेगा, वैसे सब होगा जो है। वो कहने लगे नहीं यही मंदिर है। ये ऐसा कैसा, कहते आप अच्छा चुप रहो आप, मतलब वहां बोलना बिल्कुल मना। मैं तो ऐसे फिर भी कर थोड़ा थोड़ा ऐसे बोल रहा था उनको तरीके से, मगर वहां बोलने के लिए बिल्कुल कोई पिन ड्रॉप साइलेंस जो है। खैर जब सत्संग खत्म हुआ तो इतने में एक सेवादार आए, उन्होंने फटाफट वहां पर दरी बिछा दी और जो वहां संगत में बैठे हुए थे लोग उनको कहा कि आप दरी के दोनों तरफ बैठ जाओ। आप ऐसे टाट सा बिछा दिया और फटाफट वो लंगर के लिए थालियां आ गई। एक प्लेट में 4 लोगों के लिए था, और उसमें ये नहीं कि भई आपका कोई रिश्तेदार आपके सामने बैठेगा
या आपका जान पहचान का कोई भी आपके साथ बैठ सकता है। हम खैर वहां लंगर लुंगर करके उसके बाद जो है हमने हाथ धो के फिर मैंने मेरे कई क्वेश्चन थे मेरे इनसे पूछने के लिए। मैंने कहा ये ऐसा कैसा मंदिर है भाई जहाँ ऐसा मंदिर तो हमने कभी देखा ही नहीं। वो कहने लगे अभी आप देखते जाओ, आप एक बार जुड़ जाओ, यहाँ आना शुरू करो और मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि 6 महीने तक मैं आपको अपनी गाड़ी में लाऊंगा, अपनी गाड़ी में छोड़ूंगा। ये मतलब गुरु जी ऐसे सेवा कराते थे लोगों से कि भाई नई संगत को लाओ और उनका जो जैसे हमें भी अभी भी जो गुरु जी बोलते थे कि भाई फला आदमी को जाओ वहां रजौरी गार्डन छोड़ के आओ, तो एक सेवा होती थी। खैर वो उन्होंने हमें 6 महीने तक ऐसे लाते रहे। वो जो है तीसरे या चौथे दिन हम गुरु जी के जब वहां दरबार में पहुंचे तो मैंने माथा टेका तो गुरु जी पूछते कीना, वो पंजाबी में बात करते थे, कीना तोड़ा। मैं कहा जी सुरेश अरोड़ा। कहते गुड़गांव वाले, आई वाज शॉक। मैं कहा यार इनको कैसे पता, या तो इनका नेटवर्क कैसा है, मतलब दिमाग में ये चीज आती है कि इनका नेटवर्क इनके लोग बता देते होंगे भाई ये आदमी है। तो ताकि वो बाद में मैंने उनसे पूछा कर्नल साहब थे क्या आपने मेरे बारे में बता दिया था, क्या मेरी बैकग्राउंड सारी बता। कहता है मेरी तो यहाँ गुरुजी से कोई बात ही नहीं कर सकता, हमारी तो हिम्मत ही नहीं है कि गुरुजी से ऐसे जाके बात करें। तो ये कहते ये भगवान का नेटवर्क है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये बाद में समझ आएगा, वो सारे जानी जान है उनको सब मालूम है। ये गुरुजी का एक तरीका था हमें ये बताने के लिए कि भाई हाँ मैं सब जानता हूँ तो ठीक जगह आ जाए। खैर हमने फिर वहां रेगुलर जाना शुरू कर दिया। फिर भी हमें ये लगता कि वहां पर हु इज हु, सारे इतने बड़े बड़े मिनिस्टर, इतने आईएएस ऑफिसर, इतने लोग आते थे वहां पर। तो मैं इनसे ये कहता, अपनी आंटी से कहता कि भाई ये लगता है कि हमारे लिए जगह नहीं है, ये गुरुजी बड़े बड़े लोगों के गुरुजी हैं, हम लोगों की यहाँ कोई गिनती नहीं लगती। तो उस उलझन को भी हमारे जो है जो सेवादार थे उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि यहाँ पर गुरुजी बड़े बड़े लोगों को इसलिए कि एक का कल्याण हो जाए वो 50 आदमियों का आगे कल्याण करेगा। हमारे मन में कई शंकाएं थी जो उन्होंने लोगों ने दूर की। और दूसरा कई बार क्या होता था कि लेडीज ज्यादा जो गुरुजी उनको मौका देते थे उनके हाथ दबाने के लिए, कभी कभी जैसे सिंहासन पर बैठे हैं तो किसी ने रिक्वेस्ट की भाई गुरुजी, तो उनके कष्ट टालने के लिए वो उनको हाथ दबाने के लिए बोलते थे या पांव दबाने के लिए। तो उसके लिए भी देखिए हम पढ़े लिखे हैं, हम क्वेश्चन तो आएंगे कि भाई इनको क्यों ऐसी प्रायोरिटी मिलती है लेडीज को जो है। तो फिर उन्होंने बताया कि एक लेडीज ही ऐसी है जो घर की गृहिणी जो है वो अपने परिवार के बारे में सोचती है। आदमी लोग बड़े मतलबी होते हैं, वो कहेगा जी मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा ये बन जाए, मगर जो लेडीज है वो खाली परिवार के लिए सोचती है और अपने लिए भी कुछ नहीं सोचती जो है। तो इसलिए गुरु जी का झुकाव इस तरफ होता था कि भाई इनका कल्याण हो तो पूरी फैमिली का कल्याण होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे हमारे। हम क्योंकि अभी तक हमने गुरु जी को ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये ईश्वर है, क्यों नए नए गए थे हम कैसे मान लें कि भाई ये ईश्वर है। तो मगर उनके भी अपने तरीके थे, वो एहसास करवा देते थे आपको जो है। ऐसे कई दिन तक हमारा मतलब ये चलता रहा। फिर एक सत्संग था क्लियर फॉर्म में, खेर फॉर्म, जो कि खाली फौजियों के लिए गुरुजी ने रखा था क्योंकि फौजियों से बहुत प्यार था, फौजियों में बड़ी संगत उनके साथ जुड़ी हुई थी जो है। तो कर्नल साहब कहने लगे कि आप भी चलो। मैंने कहा भाई हमारे लिए तो कोई न्योता नहीं है। कहते नहीं आप हमारी फैमिली के मेंबर हो तो आप भी साथ चलो। वो दिन के टाइम था, मतलब 12 बजे से लेके कोई 2:30-3 बजे तक, 2 घंटे का होता था सत्संग कि भाई 2:30 बजे तक सब फ्री हो जाएंगे जो है।
मैंने कहा भाई मैं चल पड़ूंगा, मगर मेरी किसी एक चीफ इंजीनियर से बहुत जरूरी मीटिंग है, इसकी हरियाणा के चीफ इंजीनियर से किसी काम के बारे में। बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है, तो मैंने 3 बजे उनके पास पहुंचना है। वो कहने लगे चलो तो सही, आप वहां दर्शन, अगर आपको नहीं ठीक लगेगा आप उठ के आ जाना। वहां फिर मेरे साथ यही हुआ कि मैं जब गुरु जी के चरण छूने गया, गुरु जी की उनकी महिमा ऐसी थी, जब वो आए तो ऐसे लोगों ने गुलाब के फूल बिछाए, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो वॉक कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उनके पांव टच ही नहीं कर रहे। जो है हम भी नतमस्तक हो गए और हमने गुरु जी को प्रणाम किया, और फिर उठ के जब वो अपने सियासत पर बैठ गए, फिर लोग उठ के उनके चरण छूने के लिए गए, सारे लाइन लग गए और गए। जब मेरा नंबर आया तो वो गुरु जी कहते की चाहिए, मैं कहा जी गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारे लिए यही बहुत था कि इतनी संगत में अगर हमारे से पूछ रहे हैं कि भाई की चाहिए, तो मैंने कहा जी मेरे को तो आशीर्वाद चाहिए। हम आके फिर बैठ गए, शब्द चल रहे थे, अपना कंसंट्रेट कर रहे थे। फिर थोड़ा सा ये भी होता है इधर उधर देखते कौन कौन आए हैं लोग जो है, कि भाई हमारी कहीं गिनती भी है यहाँ या नहीं है। 2 बज गए तो मैं कन्ना साहब को कहूँ भाई मेरी तो मीटिंग है। वो कहता नहीं, यहाँ लंगर खाए बिना मत जाना, लंगर इससे डिवाइन प्रसाद, आप इसको जो है छोड़ के नहीं जाना किसी भी हालत में। मैं कहा यार मेरी मीटिंग है, वो क्योंकि हम दूर बैठे थे, वो मैं बार बार उठूं वो मेरे को फिर बिठा दे। कहते देखो अगर गुरु जी चाहेंगे तो आप लंगर खा के जाओगे, अगर नहीं चाहेंगे तो आप ऐसे चले जाओगे, मगर मैं तो आपको एडवाइस ये करूंगा। मैं बड़ा बेचैन हो रहा था कि भाई मेरी इतनी जरूरी मीटिंग है। मैंने इनको कहा कि मैं अपनी गाड़ी में चला जाता हूँ, आप मेरी आंटी को घर छोड़ देना। कहने लगे अभी बैठो तो सही। और इतने में क्या हुआ कि कोई 2:45 बजे मेरे को फोन आया, एक ऐसे वाइब्रेशन हुई, तो मैंने ऐसे उठा के किसी के सामने बात नहीं की, ये बड़ा सत्संग था तो इसमें थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाती थी। मैंने ऐसे झुक के कान में लगा के वो कहने लगे जी मैं चीफ इंजीनियर का पीए बोल रहा हूँ कि आज की मीटिंग जो है पोस्टपोन कर दी है। देखिए मेरे चेहरे पर मतलब एकदम से बिल्कुल ही ऐसा चमक आ गई एकदम। मैं कहा अब मैं केयर फ्री हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तो इन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो अगर आपको जाना है, मैं कहा नहीं भाई गुरुजी ने इंतजाम कर दिया है। मतलब जिसको आप विश्वास हो जाता है ना, उसको ये लगता है कि जो जितने भी काम ये हमारे हो रहे हैं ये सब गुरुजी करा रहे हैं। तो इससे हमारा थोड़ा सा और वो हो गया। फिर उन्होंने समझाया कि भाई जब गुरुजी की इच्छा, आप अगर गुरुजी के दरबार में आए हो तो उनकी इच्छा के बिना नहीं आए, आप कितना भी कर लेते आप नहीं आ सकते थे, मगर जब उन्होंने आपको बुलाया तो आप आए हो। ऐसे ही गुरुजी के जन्मदिन का वो था सत्संग, वो बड़े मंदिर में होता था, उस वक्त तक बड़ा मंदिर तैयार हो गया था, तो वो काफी रात तक चलता, रात को मतलब 7 बजे से चलता था, 11-12 बज जाते थे। जो मैं और आंटी जो है हम अपनी गाड़ी में ही, हमने कहा वो कर्नल साहब को कहा कि नहीं हम अपना आप चले जाएंगे, वो भी पहुंचे हम भी पहुंचे वहां पर। अच्छा वहां जब सत्संग खत्म हुआ हमें बड़ा अच्छा लगा, वहां बड़े आर्टिस्ट वगैरह आए हुए थे, गुरु जी जो है ना लोक गीत वगैरह भी सुनते थे सत्संग के बाद, जो शब्द वाणी के बाद फिर वो थोड़ा सा कुछ एंटरटेन, कुछ आर्टिस्ट बुलाए हुए थे, वो जो आर्टिस्ट कोई मिसेस शर्मा थी, उन्होंने भी अपने सत्संग सुनाए कि भाई मैं कुछ और सोच के आई थी और यहाँ पर तो गुरुजी का चमत्कार देख के। वो कहने लगी मेरे को कोई इसके लिए पैसे नहीं चाहिए, नहीं तो अदरवाइज जितने आर्टिस्ट हैं ये अपना पैसे मांगते हैं कि भाई यहाँ परफॉर्म करेंगे हम वो करें। उसने भी अपना सत्संग सुनाया और हमें बड़ा अच्छा लगा, वहाँ बड़े मंदिर में ओपन पे सारा ये हो रहा था जो है। अब हम वापस आ रहे थे, अच्छा आंटी मेरी जो है ना, हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, वो छोटी गाड़ी चलाती हैं इंडिका, वो टाटा की इंडिका होती थी, वो ज्यादा बड़ी गाड़ी को चलाने में उनकी जरा हिम्मत नहीं होती थी। अब रात को फंक्शन खत्म हुआ तो हमने सोचा, मैंने आंटी को कहा कि अभी सड़क ज्यादा खाली है, कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो 1 बजे है तो आप जो गाड़ी चला लो जो है प्रैक्टिस कर लो, मैं साथ में बैठा।
तो उन्होंने हमने सीट बदल दी, वो आके आगे बैठ के चलाने लगी। अच्छा, ये उस वक्त जो हमारी मेट्रो वगैरह नहीं बनी थी, जो उन दिनों में जो है ना 2005-06 में जो है मेट्रो नहीं बनी थी, सड़क टाइप थी थोड़ी सी। एग्जैक्टली गुरु जी का जो वहाँ छोटा मंदिर है जिसको हम कहते हैं एम्पायर स्टेट, उसके बाहर ही एक चौकी लगी हुई थी चेक पोस्ट पुलिस वालों की। रात को 11 बजे के बाद वो चेक पोस्ट लगा देते हैं और चेक करते हैं कोई भाई ड्रिंक करके तो नहीं जा रहा है, लाइसेंस कोई गलत आदमी ना जा रहे हो। तो उन्होंने बड़ी टाइट कर रखी थी जगह, और थोड़ी सी जगह उनकी चौकी और उसके बीच में थी जो है। तो जैसे ही उस सड़क पर आए तो आंटी एकदम घबरा गई कि पुलिस वाले खड़े हैं। तो मैंने कहा घबराओ मत, उसमें क्या है, तुम्हें ड्राइविंग तो आती है, तो आप जो है धीरे धीरे, वो रोक रहे हैं तो आप धीरे धीरे रोक लो। अब इनका पता नहीं क्या हुआ, सैंडल इन्होंने उतार के अपने वो मतलब चलाती थी, तो हाई हील की सैंडल थी ना वो चलाई इन्होंने गाड़ी, तो वो ब्रेक पर पांव रखे ब्रेक ना लगे, तो फिर इन्होंने एक्सीलरेटर पर रखा तो वो स्पीड बढ़ तो एकदम, मेरे तो घबराहट हो गई। मैंने कहा ये पुलिस वाले वहां खड़े हैं, उधर गाड़ियां खड़ी हैं और बीच में थोड़ी सी जगह है। मैं सच में माने मैंने ये सोच लिया कि भाई आज तो हम दोनों के एक कदम, और पता नहीं हमारे बच्चों को कनाडा में कौन इन्फॉर्म करेगा। एकदम आ जाता है ना दिमाग में कि भाई आज तो गए हम। पता नहीं कुछ ऐसी शक्ति थी क्या थी कि ये 4 फुट की जगह में से ये आंटी निकाल के ले गई एकदम। अब जब ऐसे बाहर निकले तो अच्छा, आंटी के पास उस वक्त अपना लाइसेंस भी नहीं था, तो मैंने आगे जाके ना एकदम हैंड ब्रेक लगाई, क्योंकि पहले एकदम ख्याल ही नहीं आया इतनी टाइट जगह देख के। मैंने हैंड ब्रेक लगाई, मैंने क्या किया फिर हमने सीट बदल दी। मैंने कहा क्योंकि मेरे पास तो लाइसेंस है, मैं हैंडल कर लूंगा तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिना लाइसेंस के जो है। हमने अंदर ही अंदर सीट करी और फिर धीरे धीरे चलना शुरू किया, और इतने में मोटरसाइकिल पी 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 करते पुलिस वाला जो है वो आ गया। कहते जी आपने तो हमें मार देना था, ये हमें तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, हम तो सारे खत्म हो जाते, तो चलिए वापस। तो आगे से मोड़ के हम वापस आए वहां पर, तो आंटी वाज ए प्रिंसिपल एट दैट टाइम। वो घेटोरनी एक वहाँ स्कूल है, वहाँ गुरु जी के वहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर पर होगा वो जो है इस आश्रम से। वहाँ प्रिंसिपल हैं, उनके वहाँ पुलिस वाले आते हैं जब एग्जाम वगैरह होते हैं, SHO सबको जानती हैं आंटी। तो इन्होंने बड़ा प्लीट किया, इन्होंने कहा जी मैं यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ और मैं कोई गलत काम तो नहीं करूंगी। फिर कहते जी हम नहीं जानते, जो आपको रोका गया आप नहीं रुके, दूसरा आपने ऐसा ड्राइव किया डेंजरस, मतलब जो हमारी लाइफ खतरे में थी, उसने किसी को फोन पर ही 100 पर भी कर दिया। और थोड़ी देर में जो है वो जीप में एक इंस्पेक्टर आ गया जो है, बड़ा ऑफिसर आ गया उनका। तो उसने उनके कान में कुछ कहा कि भाई ये देखो, क्योंकि पुलिस वालों को तो हमारे वहां इंडिया में तो क्या होता है कि कोई मुर्गा फंस जाए तो भाई पैसे पुसे लेके अपना जो हो जाएगा जो है। और हमें अंदर से चिंता थी कि भाई इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, पता नहीं कितने कितने एक्ट लगा के हमें परेशान करेगा जो है। क्योंकि वो जो छोटा वो स्पाई था वो तो कह रहा था कि थाने चलो, मगर इतने में जब ये आ गया तो हमने कहा चलो। फिर उसने पूछा कि भाई आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? मैं कहा जी गुरु जी का जन्मदिन था, वहां फंक्शन था बड़े मंदिर में, हम वहां से आ रहे। अरे वाह, उसको कहता है यार कैसे कैसे लोगों को पकड़ के लाते हो आप, मुझे तो ऐसे आपने डरा दिया, जाने दो इनको। ना उन्होंने लाइसेंस पूछा, ना उन्होंने कुछ हमारे पेपर देखे, कुछ नहीं देखा। अबे भाई इतनी तसल्ली हुई, मैंने कहा यार गुरु जी ने तो आज बचा लिया। और देखो ये गुरु जी के बिल्कुल जहां एम्पायर स्टेट का गेट है उसके बाहर की बात है, ये सब लोग जानते हैं, वहां रात को चौकी लग जाती थी इनकी चेक पोस्ट जो है। हमने कहा भाई अब अगले दिन जो भाई हम जब जाएंगे मंदिर, पहले गुरु जी का शुक्रिया करेंगे। अगले दिन गए गुरु जी के वहां, वैसे जैसे अपना। और उस दिन चांस की बात ये कि जो थोड़ी सी नई संगत होती थी ना, उनको थोड़े दिनों के बाद बिल्कुल गुरु जी के सामने बिठा देते। अरे उनका ऐसा
हमें तो उनसे नजर ही नहीं मिला सकते थे, मतलब ऐसे लगेगा कि भाई जैसे हमारा एक्सरे हो रहा है, जब भी जरा नजर उठाए तो हमें लगे कि भाई एक्सरे हो रहा है, मतलब अंदर से गिल्ट होता है ना आदमी को कि भाई हमारे छत विचार हमारी सारी अंदर की चीजें गुरु जी को पता लग जाएगी जो है कि भाई हम क्या सोच रहे हैं, कि भाई गुरु जी क्या भगवान है या नहीं है, जो मन में है क्वेश्चन हो सकता है कि ये सारा एक्सरे है, हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। खैर लंगर करने के बाद जब माथा टेकने के लिए आंटी ने सोचा कि भाई गुरु जी का मैं शुक्रिया करूंगा, आंटी जी ने हाथ जोड़ के, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की क्योंकि रश था वहां पर, इतना सारे लाइन में खड़े हैं, तो गुरु जी मुस्कुरा के इनको कहते ऐसे ऐसे हाथ से चलो 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 चलो। तो आंटी फिर बाहर आके बोली कि भाई मेरे को ऐसे गुरु जी ने चलो 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 क्यों, तो वो एक और अंकल खड़े थे वो कहते वो आपको आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम चलो, मतलब उनको ये सब मालूम था और उन्होंने हमें कहा कि अब जाओ आराम करो। तो ऐसे हमारे जिंदगी में कई कितने इंसिडेंट हुए हैं जो कि अच्छा, जब ये वाली बड़ी वाली कार हमारी ये मारुति स्नीम थी हमारे पास, तो उस वक्त मैंने आंटी को कहा अब ये सिग्नल मिल गया कि हम ये गाड़ी बेच के नहीं लें, क्योंकि ये एक्सीडेंट होते होते बचा तो आप नहीं ले लेते हैं, तो हमने फिर नई गाड़ी ले ली होंडा सिटी। अब हमने कहा ये गाड़ी तो गुरु जी से ब्लेस कराएंगे हम जो जरूर। तो उस दिन मैं जब माथा टेकने लगे तो मैंने गुरु जी को चाबी पकड़ा दी, मैंने कहा जी ब्लेस करो, अच्छा नवी गड्डी लिखती है चिट्टे रंग दी। अब वहां से कौन इनको बताएगा कि भाई मैंने गाड़ी ये ली है और इनको संभालू मैं जो है, उन्होंने क्या ऐश कर ऐसे बोल दी। और उसी का मैं बता रहा हूं कि गुरुजी ने जो ब्लेस की थी गाड़ी मैंने इतने 15-13 साल तक अपने पास रखी, मैंने कहा ये गाड़ी मैं नहीं बेचूंगा मैं, और बड़ी अच्छी चल रही थी ये, तो इंडिया में अब ये हो गया कि आपकी 15 साल से पेट्रोल की गाड़ी आप ज्यादा नहीं रख सकते, तो मेरे को जब मैं यहाँ आ रहा था कनाडा तो अपनी गाड़ी बेच के आया, और वो भी हमारे एक कोई संगत के ही हैं जो डीलर है, उनको जब मैंने बताया कि ऐसे गुरुजी की ब्लेस गाड़ी है तो कहने लगा भाई मैं भी नहीं बेचूंगा मैं अपने पास ही रखूंगा चाहे इसके कितने भी साल हो जाए। मैंने कहा ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। खैर अब इस गाड़ी का मैं बताता हूँ, जो गुरु जी कहाँ कहाँ आपकी हेल्प करते हैं वो बताना चाह रहा हूँ। अब क्या हुआ कि हमारे एक फ्रेंड है डॉक्टर है, उनके लड़के की इंगेजमेंट थी, उन्होंने शाम को कहा कि भाई आप मेरे घर आना है, मेरा गुड़गांव में घर है, वो सिविल लाइन्स में रहते हैं बहुत दूर रहते हैं। अच्छा रास्ते में मैं वहाँ पर उन दिनों में जो है ना एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाता था स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, दिल्ली का एक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, तो उसमें मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाता होता था। तो संडे का दिन था, कॉलेज वगैरह सारा बंद था, तो मैं जब वहाँ से ऐसे क्रॉस कर रहे थे, टर्न कर रहे थे रिंग रोड पर, तो एक स्कूटर आया दूर से और थाड़ से मेरे उस पर स्कूटर इस पर कार पर आके बजा लेफ्ट से, क्योंकि मैं लेफ्ट को टर्न कर रहा था विच वॉज फ्री, और वो सीधा जाना चाहता था, वो आके टकराया और वो गिर गया, उसका हेलमेट गिर गया, उसका स्कूटर दूर पड़ा, वो घबराने लगा जो। मैंने कहा यार हम अच्छा भला कहीं, एकदम घबराहट हो गई हमें कि भाई पता नहीं जिंदा भी बचेगा या नहीं बचेगा, क्या होगा इसका जो है, वो इतनी जोर जोर से चढ़ा, सारे फिर पता लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और वहां से कुछ गज पर ही जो है पुलिस हेडक्वार्टर है हमारे, और जहां जिस क्रॉसिंग पर हुआ वहां हर वक्त ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, ये दिन का टाइम है जो है। तो हम बाहर निकल आए, हमने उसको उठाया साइड में बिठाया, मैंने कहा अंकल अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कहता है जी बस मैं तो मर गया मैं तो, और हमें अंदर से घबराहट हो रही है पुलिस केस भी बनेगा सारा ये होगा। तो इतने में पुलिस वाला भी आ गया। अब पुलिस वाले को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हमने नहीं, कसूर तो हमारा माना जाएगा क्योंकि बड़ी गाड़ी है, मगर मैंने कहा मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं था, ये देखिए लेफ्ट से इसने मारा और इसने
ऐसे ये गिर गया, इसको चोट लगी है जो है, इसका स्कूटर भी पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा जो है। वो कहने लगा जी मैंने 100 नंबर पर कर दिया है, तो अभी एम्बुलेंस वगैरह आ रही है भाई, इसका वो चेक। हमने कहा भाई आज तो हम वहां तो नहीं जा पाएंगे। फिर मैं उसको पुलिस वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा जी ऐसा है मैं यहाँ पर यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पर प्रोफेसर हूँ और यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ये कॉलेज है बिल्कुल कोने में ही है, वो बिल्कुल उसके सामने ही, कॉलेज के सामने ही हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने कहा ऐसे मैं पढ़ाता हूँ, वो मतलब परवाह नहीं कर रहा था जो है भाई, ऐसे लोग अपने एक्सक्यूज देते रहते हैं। अब इतने में क्या हुआ, मेरी 3 क्लास की लड़कियां वो वहां से पास कर रही थी, जबकि छुट्टी का दिन है, उस दिन किसी का कोई वहां होने का मतलब नहीं है, कॉलेज बंद होता है, छुट्टी का 3 लड़कियां मेरी क्लास की वहां से। सर 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 क्या हुआ? अब वो पुलिस वाला खड़ा था, उसने जब देखा कि भाई ये ऐसे बात कर रहे हैं तो उसको तसल्ली हो गई कि भाई हाँ आदमी जेन्युइन है भाई। अब ये देखो सर, छुट्टी वाले दिन किसी को ऐसे भेजना ये क्यों करा सकता है, गुरु जी की महिमा सारी। और हमारे वहां गुरु जी की हमेशा कार में उनकी फोटो लगी रहती है। हम बहुत घबरा भी गए थे अंदर से, तो मेरे को ये था कि भाई इसको कहीं कुछ इंजरी वगैरह ना हुई हो, अगर कहीं फ्रैक्चर हुआ या कुछ भी हुआ तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर हॉस्पिटल के चक्कर, कोर्ट के चक्कर, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। अच्छा, इतने में 4-5 आदमी वहां से निकल रहे थे, वो उसको देख के जो जिसको चोट लग, अरे शर्मा जी आपको क्या हुआ? कहता यार एक्सीडेंट हो गया, मैं तो बस सब खत्म। तो मैंने कहा ये शर्मा जी कहाँ काम करते हैं? उनसे पूछा जो उनको देख रहे थे, उन्होंने कहा जी ये पुलिस हेडक्वार्टर में काम करते हैं। और मुसीबत, मैंने कहा आज तो बचने का कोई चांस नहीं है। खैर उस वक्त फिर हम, मेरी वैसे कार में बॉटल रहती है जो पानी की जो है, हमने उसको पानी पूरी पिलाने की कोशिश की। तो एक लड़का वहां से जा रहा था, उसके पास शायद वो थी कैंपा कोला वगैरह थी, तो उसने उनको वो पिलाई, फिर मैंने उनको चलाया। अच्छा इतने में एम्बुलेंस आ गई। अच्छा अब देखिए उसके यहाँ पर माथे पर ना इतना छोटा सा एक निशान पड़ा था, बस कोई खून भी नहीं निकला था जो है। वो कहे पुलिस वाले की अपनी जांच करा लो, जाओ डिस्पेंसरी में दवाई। कहता जी मैंने कुछ नहीं कराना, वो आदमी कहने लगा। तो उन्होंने कहा भाई, फिर उसको चला के देखा, फिर उसका एक लड़के ने जाके स्कूटर खड़ा किया, भाई चलने लायक है या नहीं। वो कहता जी मैं तो घर जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई हम आपको छोड़ आते हैं, जाके स्कूटर यहाँ मेरे कॉलेज में रखवा दो, आप कल ले लेना अपना या फिर ले लेना, मैं इसको रिपेयर करा दूंगा जो है। कहता नहीं जी मैं तो स्कूटर पर ही अपने जाऊंगा। अब हम उसको इंसिस्ट कर रहे हैं तेरे छोड़ के आएंगे। फिर वही पुलिस वाला मेरे को साइड में ले गया, कहता है आप क्यों झंझट में पड़ते हो, अभी पुलिस की और गाड़ियां भी आ जाएंगी, आप चुप करके निकल जाओ। ये पुलिस वाला बोल रहा है मेरे कि आप चुप करके यहां से निकल जाओ, ज्यादा झंझट में मत पड़ो। वो अभी जब स्कूटर चलाने को तैयार है, जाने को तैयार है, आपको क्या तकलीफ है, जाओ आप। अरे मैंने कहा गुरु जी क्या आपने, मतलब ये सब गुरु ही करवा सकता है, ऐसा कोई और कोई ताकत नहीं करवा सकती है। तो हम चुप करके वहां से चले गए। मगर अगले दिन जब मैं कॉलेज आया तो फिर भी मेरे दिल में तक तक कर रहा था कि पुलिस केस बना के कहीं फिर आके हमें तंग करे या कुछ करे। कोई भी नहीं आया, गुरु जी ने किसी को आने ही नहीं दिया। तो ये, और मेरी कार पर एक स्क्रैच तक नहीं पड़ा, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। जो मैं बताना चाह रहा था कि गुरुजी ने ब्लेस की हुई थी गाड़ी, उसको कुछ नहीं हुआ। और ऐसे एक बार कहीं और भी किसी लड़के ने आके मारा, वो बुरी तरह वो गिरा, मगर उसको भी कुछ नहीं हुआ और कार को भी कुछ नहीं हुआ। कार मेरी इतनी ब्लेस थी, तो मैं बड़ा प्यार करता था कार से कि भाई इसको कभी नहीं बेचूंगा। ऐसे फिर जो एक और इंसिडेंट मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारे जो ऐसे जो ये नहीं है कि गुरुजी हमेशा हेल्थ का ही, अपने संगत का बड़ा ध्यान रखते थे। चाहे आपको पता लगे ना लगे, मगर जिसको विश्वास है उसको तो ये लगता है
ये इंसिडेंट देख के तो मेरे तो मतलब ऐसे ही रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई क्या, दिल ऐसे थक थक कर रहा था, पता नहीं क्या होगा। वहां दिल्ली में अगर ऐसे एक्सीडेंट हो जाए तो आप इतना इजीली जो बच नहीं सकते आप जो है, हमें कुछ भी नहीं हुआ और हम अपना घर वापस आ गए। फिर मैंने अपने डॉक्टर फ्रेंड को भी बताया कि भाई हम ऐसे ऐसे होके आए हैं जो है, इसलिए हमारा मूड अभी इतना वो नहीं है, अभी भी हार्ट बड़ा बम्प कर रहा है जो है। वो कहने लगे नहीं अभी आप बैठो आराम से बैठो। फिर एक और इंसिडेंट जो कि बहुत ही जबरदस्त है, जिसका कि हम मतलब गुरुजी ही करा सकते और कोई नहीं करा सकता। वो जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेरा एक अपार्टमेंट था करोल बाग में, करोल बाग के पास जगह है इस पटेल नगर, वहां था। और हम वो वहां पर छोड़ के आए थे कि भाई अभी हम पता नहीं शिफ्ट होंगे नहीं होंगे, 50-50 था। फिर अब जब हम पूरा शिफ्ट करके तो हम कई साल तो उसे खाली छोड़ा, फिर उसको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। हमने फिर एक किराएदार रखा जिसको कि कंपनी लीज पर 2 साल के लिए दिया था। उसको 2 साल जब हो गए तो वो कहने लगा अंकल जी मैं, मेरी सिस्टर की शादी होनी है और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी ये जो एक्सटेंशन कर दें। जो 2 साल खत्म हो गए थे, कंपनी ने चेक देने बंद कर दिए, मगर उसने कहा मैं आपको 6 महीने का चेक दे देता हूँ, आप अपना मेरी सिस्टर की शादी हो जाए। तो इन कंपैशनेट ग्राउंड पर विदाउट एनी मतलब एग्रीमेंट हमारा खत्म हो गया था। मैंने बिना एग्रीमेंट के उसके वो दे दिया कि भाई शरीफ आदमी है, मेरा किराया दे रहा है तो चलो भाई इसको दे। वो 6 महीने हुए, फिर साल हुआ, फिर 2 साल हो गए वो खाली ना करे। अब हमें चिंता हो गई क्योंकि हमने हर बार कनाडा आना आता था तो हमें तो बड़ी मुश्किल थी कि भाई कैसे इसको वो करें हैंडल। उसने मेरे को किराया भी दे, मैंने बड़ी कोशिश की, कभी कोई बहाना लगाया कभी कोई बहाना, नहीं खाली किया। अब आंटी कहने लगी हमारी इतनी महंगी प्रॉपर्टी तो अब कैसे इसको हम लें इसको। फिर हमने सोचा चलो भाई केस करें इसके ऊपर जो है, कोर्ट में जाके वहां से खाली कराया। तो अपनी संगत में भी कई जो एडवोकेट्स हैं हमारे जान पहचान के भी हैं, हमने उनसे भी डिस्कस किया। वो कहने लगे भाई ऐसे तो खाली नहीं होगा, आपको जो या तो कोई पैसा देना पड़ेगा या कुछ ऐसे इतना इजीली नहीं होगा। वो आप लोअर कोर्ट से जीतोगे तो वो हायर में चला जाएगा, उससे हायर में चला जाएगा, वो चाहे तो आपको नचा के रखेगा जो है। तो खैर मैंने कई और मेरे रिश्तेदार भी थे, सबसे पूछा, सब ने डिस्करेज किया कि किसी तरह आपस में ही फैसला कर लो तो बेटर है। वो करने को वो कहता मैं खाली मतलब मना नहीं करता था मगर खाली भी नहीं करता। खैर फिर हम एक दिन मंदिर में गए, हमने गुरुजी से कहा गुरुजी अब हमारा ये खाली कराना है तो केस हम कर रहे हैं। किसी जान पहचान से हम किसी वकील के पास गए तो हमने, उसने वो बना दिया एक उसका मैटर बना के हमें दे दिया और कहा कि हम ये केस फाइल कर देंगे। मैं उनको एडवांस वगैरह भी दे आया, वो 30,000 कोर्ट में पहला जो लोअर कोर्ट में जाता है ऐसे केस। तो क्या हुआ कि जब मेरे पास उनका ये वो आ गया कि जो भाई उन्होंने रिप्लाई दिया था खाली करने एविक्शन के लिए जो नोटिस भेजा था उससे, वो उसने मेरे को कॉपी दे दी। तो हमारे एक संगत के और हमारे पुरानी संगत के फ्रेंड हैं, उनका सानिल्ला ही द जज बट नॉट इन दैट कोर्ट। तो मैंने उनसे कहा यार एक बार उनको हम दिखा दें, उनसे सलाह ले लें कि अभी क्या होगा हमारा, क्योंकि सबने डरा दिया था कि आपका मकान ऐसे खाली नहीं होगा। तो हम उनके साथ उनके घर में वहां गए तो उन्होंने जब ये देखा उन्होंने ऐसे ही तो कहने लगे अरोड़ा जी ये तो बेकार है बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई डोमिसाइल रीजन ही नहीं दिया कि भाई आपको क्यों चाहिए। आप किराए के लिए बढ़ाने के लिए कहोगे वो कहेगा मैं किराया बढ़ा देता, आप कहोगे कि भाई एग्रीमेंट करो वो एग्रीमेंट कर लेगा। तो आप किस वजह पर, क्योंकि आपका मकान गुड़गांव में है, वो तो ये रीजन दे देगा कि भाई इनको तो चाहिए नहीं, किराए पर देना है तो किराए पर हमें। हमने कहा जब एक जज मेरे को ये कह रहा है तो हमें तो टेंशन हो गई एक बार। अब आंटी कहे कि हमने केस करके भी अब कुछ कर भी नहीं सकते। फिर अगले दिन मैं उस वकील के पास गया, मैंने कहा कि भाई हम केस विड्रॉ कर ले तो क्या है। कहता है यार अब तो हमने फाइल कर दिया, विड्रॉ करने का तो कोई मतलब नहीं है जो है।
तो मैंने अपनी वो दिखाई, कंसर्न दिखाई, वो कहने लगा अब एक बार कर दिया तो करते हैं, देखते हैं। तो अक्टूबर में हमारी फर्स्ट पेशी हुई वहाँ, जिसमें कि उनके वकील ने, मेरे टेनेंट के वकील ने खूब बोला, और मेरा वकील बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उन्होंने सारे कागज ले लिए, सारे मतलब आपस में एक्सचेंज करने लगे। तो जज साहब, एक यंग से लड़का था, उसने कहा कि नेक्स्ट हियरिंग विल बी इन फरवरी, फरवरी में जो है, अक्टूबर से मतलब 3 महीने का टाइम उन्होंने। अब हम कोशिश कर रहे थे कोई जान पहचान का निकले, कोई वो नहीं निकला। जिस दिन हमारी पेशी थी उस दिन मंगलवार था, जबकि मंदिर बंद होता है। तो मैंने आंटी को कहा कि मैं तो मत्था टेक के जाऊंगा गुरु जी के यहाँ। और ऐसे ही जब गाड़ी में ड्राइव करके आ रहे थे, मैंने आंटी को बोला भाई हमने तो गुरु जी से कभी कुछ नहीं मांगा, मगर गुरु जी हमारा कुछ निवारण ही नहीं कर रहे कुछ। हम इतना केस में फंसे हैं, इतने टेंशन में हैं, हमारा मकान ही नहीं खाली हो रहा, क्या करें। तो आंटी कहने लगी, देखो, मेरे से नाराज होने लगी कि आप कुछ भी बोलो, गुरु जी के लिए ऐसा कुछ मत बोलो, जो करेंगे गुरु जी ठीक करेंगे बस। इतना खैर माथा टेक के मैं अपना वहां पहुंचा, क्योंकि गुरु जी के यहाँ से माथा टेक के गए थे। वहां जाके पता लगा कि देखिए गुरु जी कहाँ कहाँ आपकी कैसे मदद करते हैं, कि मेरे टेनेंट का जो एडवोकेट ही नहीं आया, वो बेचारा फोन पर लगा हुआ है, क्योंकि वही आगे बात करेगा ना, एक्सटेंशन लेनी है या जो भी है, जो जवाब देना है सारा जो है। मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई तुम अपना पता करो, उसको बुलाओ। अच्छा, इतने में मेरा भी जो एडवोकेट था ना, वो सीनियर था थोड़ा सा, तो उसका कहीं और केस होगा, वो भी वही कहीं गया हुआ था। थोड़ी देर में मेरा वकील भी आ गया। ये तो जज ने ये कहा, हमारा नंबर भी बड़ी जल्दी आ गया। जज ने ये कहा, देखो मैं आपको 40 मिनट का टाइम देता हूँ, आप आपस में जो फैसला करना है कर लो, नहीं तो फिर बहस होगा। हमारा वो लड़के से बात कर रहे हैं जो मेरा टेनेंट था, वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, वो अपने वकील को फोन कर रहा है। अब भाई वकील को तो तेरे गुरुजी ने ही रोक के रखा हुआ है, उसको ये समझ नहीं आ रही थी। 40 मिनट बाद आए तो उसने, जज ने बोला, अब देखिए यहाँ पर कैसे गुरुजी जज के उसमें आगे जो है, कहते भाई देखो तुम अगर खाली करते हो ठीक, नहीं तो मैं यहां से आदमी भेजूंगा। ये जज बोल रहा है, आदमी बोलूंगा तुम्हारा घर का सामान सारा बाहर रख लिया जाएगा और इनको पोजीशन दे दिया जाएगा। ऐसे एक बायस जज कोई भी नहीं हो सकता, पता नहीं कैसे कहां से वो। हमें लगा यार ये गुरुजी की, क्योंकि वहां जब कोर्ट में बैठे थे थोड़ी फ्रेग्रेंस भी आई हमें, ये बाद में हमें पता लगी चीजें कि भाई ये फ्रेग्रेंस गुरुजी की प्रेजेंस का होता है। अच्छा, उन्होंने फिर वो लड़का कहने लगा, जी नहीं मेरे को तो आप जो है इतनी जल्दी मैं नहीं कर सकता। तो उसने मार्च में खाली करना था, तो जज ने मेरे को बोला कि अरोड़ा जी आप इनको 1 महीने का टाइम और दे सकते हैं। मेरे को थोड़ी तसल्ली लगी, मैं कहा हाँ 1 महीने का कर देंगे। तो फिर उन्होंने ऑर्डर में लिखवाया, इतने में मेरा वकील भी आ गया, फिर वो थोड़ा मॉडिफाई करवाता गया ऑर्डर्स को कि दिस इज ओनली फॉर रेंट, इनका आप दोगे, क्योंकि उसने मेरे को जो रेंट दिया था चेक दे दिया था, ये 6-7 महीने का, मैंने वो उसको कैश नहीं कराया था जो है, मैंने वापस कर दिया था। तो उन्होंने कहा इनका सारा बकायदा रेंट दोगे और अप्रैल का भी जो आपके एग्रीमेंट के अलावा उसका भी 7 तारीख को आप इनको पैसे जमा कर दोगे, और 30 का महीना होता है ना, 30 को आप खाली कर जाओगे। अभी भी हमें अंदर से तसल्ली नहीं हुई थी। तो मेरा वकील कहता है भाई तो तुम्हारी फेवर में है सारा ये। मैंने कहा यार हमें तो विश्वास नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है स्टेज में। तो कहता है जो यहाँ ऑर्डर उसने जज ने लिखवाया ना, तो अगर बड़े भी उसमें जाएगा वहां भी उसको ये फैसला नहीं मिलने वाला जो है, उसकी फेवर में नहीं जाने वाला। तो उन्होंने फिर अपना वहां से हम चले आए,
तो आप आरती बिलीव करोगे कि वो लड़का 30 की बजाय 22 को मेरे घर में आया, सारे पैसे दे गया मेरे को, और उस रात के टाइम आया ना, मेरे ख्याल वो शायद एक्सपायरी डेट से पहले आ गया। वो सारा वो कहता है जी मैंने खाली कर दिया है, आप अपना ये पोजेशन ले। अब आंटी ये चमत्कार तो गुरु जी कर सकते हैं, ये मतलब मैं जितने वो जज साहब पे हैरान थे, जिनको ये जब पता लगा कि भई ऐसे दूसरी मेरी दूसरी हेयरिंग थी ये, जबकि हम गुरु जी थोड़ा नाराज हो रहे थे। फिर आंटी तो खुश, आंटी कहती देखा मेरे गुरु जी ने क्या किया है। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका कि मैं बड़ा मुश्किल होता है इसको वर्णन का। सत्संग मेरे पास और भी हैं मगर हम उनको बाद में सुनाएंगे। अब एक बहुत जरूरी बात मैं करना चाहता हूं, वो ये कि यहां पर इम्पोस्टर बड़े आ गए हैं आजकल इंडिया में भी। कई लोग ऐसे हैं जो जैसे पुरानी संगत का है, तो आप उनको कहते हैं ना जी हाँ हम आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आप हमें सत्संग सुनाइए अपना सारा, तो उनको कुछ अहम सा हो जाता है और वो सेल्फ स्टाइल बन जाते हैं, अपने घर में दरबार लगाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे मंदिर वाले कहते हैं कि ऐसे लोगों से बचो, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करो आप, इसका कोई मीडिया नहीं है, आप ये सोचें कोई आपको गुरु जी से मिलवा देगा तो नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग भी हमने सुने हैं जो वैंकूवर में भी आए हैं और इसमें भी गए हैं, उनकी टिकट अरेंज की गई, उनकी टिकट ठीक है टिकट अरेंज की, मगर उन्होंने आके यहाँ कहा जी हमें गुरु जी ने पावर दी है, हम आपका लोटा ब्लेस करेंगे, इतने लोगों को ब्लेस करना है, 11 लोगों को ब्लेस करना है, तो हमें चढ़ावा मांगा है उन्होंने। तो इसलिए मेरी सबसे संगत से ये गुजारिश है कि इन चक्रों में बिल्कुल ना पड़े, गुरु जी से डायरेक्ट जुड़े आप, आपको अपना आप ही महसूस होगा। और ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे मिसलीड हो जाते हैं, जो जिनको और उनका गुरु जी फिर बाद में ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं उनमें उन जो संगत ने ऐसा किया उनके साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, मगर वो उनके साथ गुरु जी ने अपना आप किया, जो गुरु जी की मर्जी से ही सब हो सकता है। तो इसलिए प्लीज अगर आपको कोई बाहर से संगत या कुछ ऐसा कहे कि हम चमत्कार दिखाएंगे या हमें गुरु जी ने पावर दे दी है, कई तो ऐसे भी है भाई, एक भगवान शिव कहाँ किसको पावर दे सकते हैं, भगवान शिव तो अगर आएंगे तो खुद आएंगे, जो है तो गुरु जी खुद ही आए थे ना लोगों का वो करने के लिए। तो मतलब इस मंदिर में ऐसा है कि कोई गद्दी नहीं है, जैसे कई धर्मों में आपने देखा होगा कि गद्दी पास हो जाती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो ऊपर है गुरु जी, वो हर वक्त हमारे साथ है, हमारा ध्यान रखते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना सत्संग कट आउट करता हूँ, बाकी बाद में भी कुछ और सत्संग होंगे वो सुनाएंगे आपको, मगर आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफी है। आगे अंकल, आपने अभी जो लास्ट में शेयर किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका, टू शेयर दैट, बहुत इम्पोर्टेंट आपने इंफॉर्मेशन। यहाँ पर वैंकूवर में हुआ है और मंदिर वालों की तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शन मिली थी लोगों को गाइड करो, क्योंकि हम मंदिर से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो लोगों की गलतफहमी है कि कोई किसी मतलब कोई बिचौला नहीं आ सकता, आप गुरु जी से डायरेक्ट जुड़ो, डायरेक्ट बात करो गुरु जी से, उनकी फोटो से बात करो, आपको सारे जवाब मिलेंगे, आप शब्द लगाओ उसमें सब आपको जवाब मिलेंगे। हमारे तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि बहुत टाइम शॉर्ट रहेगा कि इन सबको ऐसे एक्सप्लेन करने में, मगर हमारे कण कण में हर चीज में गुरु जी का वो है। हम तो ये सोचते हैं कि अगर हम सुबह उठे हैं तो गुरु जी की वजह से उठे हैं। आजकल जैसे कोरोना में जितना चल रहा है तो लोग इतने घबराए हुए हैं, मगर गुरु जी की मेहर से हमारे जितने भी सत्संग के जान पहचान के हैं अभी किसी को कोई कोरोना की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए मेरे सारी संगत को बहुत बहुत नमस्कार, और आप अपना गुरु जी से बस जुड़े रहें,
गुरु जी पर विश्वास रखें। अगर आपको विश्वास है तो आपको लगेगा सब कुछ वैसे ही हो रहा है, अदरवाइज जिसको विश्वास नहीं है वो कहेगा ये तो होना ही था। अब एक छोटा सा मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, जो गुरु जी नॉर्मली कहते थे कि आप मांगो मत मानो आप। तो एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटा लड़का अपने फादर के साथ कहीं दुकान पर शॉपिंग पर गया, तो वहां कुछ शॉप शॉप में देख रहे थे, ग्रोसरी की शॉप थी, तो वहां के दुकानदार ने, छोटा सा बच्चा था, उसे कहा बेटा ये टॉफी ले लो। तो बच्चा कहने लगा नहीं अंकल मैंने टॉफी नहीं लेनी। तो उसने बड़ा इंसिस्ट किया, उसने मना कर दिया। फिर उस दुकानदार ने क्या किया, अपनी मुट्ठी भर के उसको टॉफी दे दी, उसे फट से ले ली। तो उसके फादर कहने लगे, जब नीचे दुकान से बाहर आए, तेरे को जब वो कह रहा था तो देख उसे क्यों नहीं दी। वो कहता है कि मेरी तो छोटी सी मुट्ठी है, मेरी मुट्ठी में तो 3-4 टॉफियां ही आनी थी। अब वो अंकल ने जो भर के दिए हैं तो मेरे को कितनी सारी टॉफी मिल गई। ऐसे ही गुरु जी का है कि हम मांगते हैं छोटी छोटी चीजें, वो पता नहीं क्या देने को तैयार बैठे हैं हमारे लिए। तो इसलिए मानो गुरु जी को, वो अपनी मर्जी से अपना आप जो आपके लिए अच्छा है वो सब देंगे। जय गुरु।